अब तू बताएगा हमें कैसे करें हम राज। समय साक्षी है कि जब जब मेरी धरती पर धनानंद जैसा निरंकुश राजा अपना राज धर्म भूला है, सीमाएं बाहरी खतरों से कांपी हैं, तब तब संकट से उबारने मेरा कोई ना कोई बेटा हिम्मत करके आगे आया है। धनानंद, मैं विष्णुगुप्त चंद्रपुत्र चाणक्य आज अपनी यह शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। याद रखना इसे। नियति की चाल हमेशा निराली होती है, तभी तो वो अक्सर सामान्य जन को समझ नहीं आती, वरना किसे पता था कि जब चाणक्य नंदवंश के सर्वनाश और मगध के सिंहासन पर किसी योग्य व्यक्ति को बिठाने की प्रतिज्ञा कर रहा था, उसी समय कुछ ही दूरी पर अखंड भारत का भावी सम्राट खुद को बेचकर गुलाम बन चुका था। दया कीजिए, मुझे मेरे पति के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी दे दीजिए। दया कीजिए, दे दीजिए। महाराज धनानंद जी ने शमशान घाट की लकड़ियों पर भी कर लगा दिया है, जब तक तुम कर नहीं दोगी तुमको लकड़ियां नहीं मिलेंगी। मुझ पर दया कीजिए। कहते हैं कि सब कुछ नियति के हाथ में होता है, यहां तक कि हर बड़ा परिवर्तन भी पूर्व निर्धारित होता है। ऐसे में मुझे हर हालत में इंतजार करना था उस क्षण का जब अखंड भारत का सपना देखने वाले आचार्य की अपने अपेक्षित शिष्य से मुलाकात हो। हीरा अपने तराशने वाले तक पहुंचे, फौलाद भट्टी में तप के ऐसा हथियार बने जो मेरे भविष्य को संवार दे। ये क्या? ये वो गहना है मेरे गुलाम, जो अब जीवन भर तेरे पैरों में रहेगा और तुझे ये याद दिलाता रहेगा कि मैंने तुझे 15 पड़ों में खरीदा है। पैर पर रख। मैं उस ऐतिहासिक क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात हो, क्योंकि मेरा स्वर्णिम इतिहास बनने वाला था, पर वो समय अभी आया नहीं था।
मुझे बेड़ी से क्यों बांध रहे हो? ताकि तू यहाँ से भाग ना सके। अगर तू यहाँ से भाग गया तो मेरे 15 पड़ों का क्या होगा? अगर भागना ही होता तो मैं अपनी मर्जी से नहीं बिकता। कान खोल कर सुन लो साहब, कोई भी इस नए गुलाम से बात नहीं करेगा। अगर ये यहां से भागा ना तो इसे तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन तुम सबको इसके बदले में ऐसी सजा दूंगा, सबको नानी याद आ जाएगी। इसलिए तुम सबका भला इसी में है कि ये यहां से भागने ना पाए, समझे? दमी, अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? गाना डाल मेरे इन गुलामों को, चल। बस एक रोटी? क्यों का छप्पन भोग दूं तुझे? अरे यहां लोग तरसते हैं इस रोटी के लिए। देखना चाहता है इस रोटी की कीमत? देखना चाहता है? अभी दिखाता हूं। किसको चाहिए ये रोटी? किसको चाहिए आकर ले लो, लो 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 लो। देखा देखा यहां क्या कीमत है रोटी की। अरे यूं आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है मुझे? अकड़ दिखाता है? खबरदार, कोई इससे बात नहीं करेगा। तुम सब भी चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, सुबह सबको काम पर निकलना है। जल्दा में नाम क्या है तेरा? गुलाम। ए बिरजू, सुना नहीं मालिक ने क्या बोला था? कोई भी इस नए गुलाम से बात नहीं करेगा, तो फिर क्यों बात कर रहा है इससे? मेरा नाम चंद्रगुप्त। ये ले बिरजू। चंदू,
अब बेटा पहले भोजन कर, जल्दी आ, जल्दी। माँ मैं अभी खेल रहा हूँ, मैं बाद में खा लूंगा। ये लड़का भी ना परेशान कर दिया है। चंदू इधर आ, चल पहले खाना खा। चंदू 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 चंदू, भूख लगी थी ना, भूख लगी थी ना, आकर नहीं आएगी। मैं जब भी देखूंगा चंद्रमा तेरी लोरिया याद आएगी। चंदू जब सो नहीं पाऊंगा मैं मां, तू ही मार्गदर्शक है सहारा भी तू। भगवान हो नहीं सकता हर समय यहाँ, इसलिए उसने बनाया तुझको मां। आचार्य, देश का भावी सम्राट यदि मगध में ही होता तो अब तक भला छिपा रहता वो? चारों ओर धनानंद का कुशासन देखकर करता नहीं वो कुछ? नहीं नहीं आचार्य, मेरा मतलब है कि मगध के भावी सम्राट का जैसा चित्र आपने मेरे सामने खींचा है, वैसा अगर कोई यहाँ होता तो कम से कम यहाँ की जनता को तो पता चलता ना उसका। त्रस्त जनता अपने दुखों से लड़े या अपने लिए कोई उपयुक्त सम्राट गढ़े, इसमें जनता को क्या दोष देना, उनका तो हमें कल्याण करना होगा। पर सच है किसी भी समाज का परिवर्तन बाहर से आयात नहीं होता, सवेरा वही होगा जहां रात होगी। मगध का भावी सम्राट मगध में ही होगा। हो सकता है कि वो अपनी ही क्षमताओं से अनजान हो, पर होगा मगध में ही। सम्राट होते नहीं, बनाने पड़ते हैं। अखंड भारत बनाने के लिए पहले उसके सपने दिखाने पड़ते हैं। और ये सब तो जब वो मिलेगा तभी करेंगे ना, और उसे ढूंढेंगे कैसे? हे सूर्य, हे अंधकार मिटाने वाले प्रत्यक्ष देव, मेरे देश का तम मिटा, मेरे मन का भ्रम मिटा। जो योग्य हो प्रजा कल्याण में, जनपदों को जोड़कर इतिहास जो गढ़ दे, बैठे मगध में परंतु विस्तार देखे, मुझे उससे मिला। हो कल्याण सबका। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। यहाँ तू सिर्फ मेरा गुलाम है, समझा? और अब यही तेरी पहचान है। हट! मेरा नाम चंद्रगुप्त और मैं अपना नाम कभी नहीं भूलूंगा। भाई
हॉट। यहाँ तो अपनी माँ की गोद में नहीं है, समझा? समय पर उठने की आदत डाल ले गुलाम। मेरा नाम चंद्रगुप्त है। यहाँ तू सिर्फ मेरा गुलाम है, समझा? और अब यही तेरी पहचान है। हट। गुलाम। मालिक के दो चार लात खाएगा ना, तब नाम हम सब भूल जाएगा। चंद्रगुप्त क्यों कहते हैं? क्योंकि यही तेरा नाम है। माँ, ये नाम क्या होता है? इंसान के लिए उसका नाम ही सब कुछ होता है मेरे बच्चे। तू चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त। देख, जब दिन में उजाला होता है और कहीं भी अंधेरा नहीं होता, तब हमें प्रकाश की जरूरत नहीं होती है ना? ऐसे में नहीं दिखता है चंद्र, होगा तो भी नहीं दिखाई देगा गुप्त। लेकिन जब हो घनघोर अंधेरा और हमें रोशनी की जरूरत होती है ना, तब दिखाई देता है चंद्र, और यही हुआ चंद्रगुप्त, समझे? मेरे बच्चे, तू अंधकार और मुसीबत में रोशनी है, और यही तेरी पहचान है, और इसे कभी खोने मत देना, समझे? मेरे बच्चे, तू अंधकार और मुसीबत में रोशनी है, और यही तेरी पहचान है, और इसे कभी खोने मत देना, समझे? मेरा नाम चंद्रगुप्त, और मैं अपना नाम कभी नहीं भूलूंगा। अपनी प्रतिज्ञा के पश्चात अब चाणक्य हर पल एक ऐसे योद्धा की खोज में रहता है, जिसे वो अखंड भारत के निर्माण का कार्यभार सौंप सके। चाणक्य चल पड़ा मगध में हो रही शक्ति परीक्षण की ओर। वसंतोत्सव में शक्ति परीक्षण की परंपरा हुआ करती थी, राजकीय अखाड़े में सबसे शक्तिशाली पुरुष को चुनने की प्रतियोगिता। देखते हैं धनानंद ने इसे ज्ञान सभा की तरह बंद कर दिया है या जीवित है अभी भी ये प्रथा। ज्ञान का सम्मान होता था कभी, वो चलन भी उठ गया।
आज सम्मान है केवल बल का राजा की दृष्टि में, पर बुद्धि बल से बड़ी होती है, ये धनानंद क्या जाने। वो तो रास और बल को ही समझता तथ्य है, पर विजय बुद्धि की होती है, यही सत्य है। क्या पता मुझे मिल जाए कोई ऐसा वीर जिसमें कल हो, बल हो और न्योछावर हो सके जो देश पर हंसते हुए। त्रिगदा, त्रिगदा। ऐसा मिल जाए कोई जिससे बदलाव ला पाऊं मैं, अपनी खुली शिखा को बांध पाऊं मैं। काम करो सब अपना चुपचाप, इतनी जल्दी पानी पीने को नहीं मिलेगा। बिरजू वहाँ प्यास के मारे बेहोश पड़ा है, उसे पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगा। तो मर जाएगा तो मरने दो से। उसको खरीदने में जितने पैसे खर्च किए थे ना मैंने, वो सब उससे वसूल कर चुका हूँ। अब तो वैसे भी बेकार की रोटियां तोड़ रहा हूँ मेरी। चल काम करो अपना। पानी, पानी। और तुम सब खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? चलाओ काम करो। कहाँ जा रहा है तू? बिरजू को पानी पिलाने जा रहा। क्या? अगर ये कदम भी आगे बढ़ा है ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जा रहा तो बिरजू को पानी पिलाने जा रहा। क्या कल का छोकरा, तेरी इतनी हिम्मत? गुलाम होकर मालिक क्यों लगता है? मेरे सामने तो उसकी मदद करेगा, अगर ये कदम भी आगे बढ़ाए ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ पर खर्चे पड़ अब तक तुमने वसूल नहीं किए, और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मारकर तुम अपने 15 पण ऐसे ही नहीं गवाओगे।
पानी पानी ला। तुम्हें काम ही चाहिए ना हमसे, तो पहले सबको भरपेट खाना दो। गुलाम भी तो इंसान होते, और पेट भरा होगा तो काम भी ढंग का होगा। तो तुझे इन सब के भूख की बहुत चिंता है ना, चल इन सब के लिए मैं तेरे साथ एक खेल खेलता हूं, देखूं तो सही तुझ में कितना जिगरा है। तो खेल यह है कि अगर तू शर्त जीत गया तो सबको जिंदगी भर मिलेगा भर पेट भोजन, और हफ्ते में एक छुट्टी भी। लेकिन अगर तू शर्त हार गया, याद रखना सबको मिलेगी जिंदगी भर सिर्फ आधी रोटी बस। बोल मंजूर है? मंजूर, शर्त क्या है? मगध के नागरिकों और उपस्थित देशी विदेशी अतिथिगणों, आप सब जानते हैं वसंतोत्सव के उपलक्ष में होने वाली इस मगध वीर प्रतियोगिता और उसके नियमों को। लेकिन जो पहली बार पधारे हैं उनके लिए नियम बता दूं। खुला युद्ध, जो आरंभ होने के बाद तब तक समाप्त नहीं होता जब तक दो में से एक धराशाही ना हो जाए। और हां, मगध के वीरों को किसी भी हथियार से परहेज नहीं है। अंतिम विजेता को महाराज धनानंद सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देंगे। महाराज, महाराज, त्रिगदा, we'll be right back.
आचार्य, कौन सा योद्धा जीतेगा? जिसके जोश में होश नहीं वो कभी नहीं जीतेगा। आचार्य, योद्धा तो इसे कहते हैं, मुझे लगता है यही जीतेगा। केवल शारीरिक बल ही जीत के लिए पर्याप्त नहीं होता। आचार्य, ये तो कितना दुर्बल है। आचार्य, उसे देखिए, वो है बहुत रिष्ट पुष्ट। मुझे यकीन है आचार्य वो ही जीतेगा। नहीं भद्रभट, यही जीतेगा, क्योंकि ये बुद्धि से लड़ता है। जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। यह होश वाला ही मगध वीर बना है। क्या यह हो सकता है मगध का भावी सम्राट? आज की प्रतियोगिता में सात वीरों को धराशाही करने के बाद मगध वीर की उपाधि का पात्र अंतिम विजयी योद्धा आपके सामने। महाराज,
निरंकुश, राजा का भी इसे भय नहीं, सत्ता के विरुद्ध भी लगता इसके मन में क्षोभ है। अर्थात यह हो सकता है मगध का भावी सम्राट? नहीं पता कि कौन हो सकता है मगध का भावी सम्राट। यह बहुत बड़ा निर्णय है वत्स, और बड़े निर्णय मन से नहीं बुद्धि से किए जाते हैं। मालिक है वो हमारा, और हम सब जानते हैं कितना जालिम है वो। आज तक हारा नहीं है वो। तो परीक्षित आज तक मत ले मेरा, मैं जानता हूँ मैं गुलाम था, गुलाम हूँ और गुलाम रहूंगा। पर ये कल का आना गुलाम अब हम सबको उम्र भर आधी रोटी खिलाकर रहेगा, देख लेना। क्या पता ये शर्त जीत जाए। आज तक कभी ऐसा हुआ है? आज तक शिकारी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है? आज तक कोई मालिक किसी गुलाम से हारा है? क्या पता जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो जाए। आज तक कभी ये भी नहीं हुआ कि कोई गुलाम मालिक से नजर मिलाकर बात कर सके, नए गुलाम ने की। आज तक कभी ये भी नहीं हुआ कि कोई गुलाम प्यास से मर रहा हो, कोई उसे चुल्लू भर पानी पिला दे, नए गुलाम ने ये भी किया। मालिक के तीर से बिना डरे मुझे पानी पिलाया, मेरी जान बचाई। जब इतनी बातें पहली बार हुई है तो क्या पता मालिक से ये शर्त भी जीत जाए और हम सबको उम्र भर खाना नसीब हो जाए। नए गुलाम, मेरा मन कहता है कि तुम ये शर्त जीतोगे। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ प्रिय, दिल की गहराइयों से प्रेम करता हूँ तुम्हें। लेकिन प्रिय, हमारे और तुम्हारे कबीलों में तो सदियों से दुश्मनी चली आ रही है। इससे तो हमारे प्रेम का आनंद और दुगना हो जाएगा प्रिय। तिरकट था धित्ते। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है प्रिय। सम्राट, सम्राट, अगर कुछ देर के लिए आपसे गोपनीय वार्ता का समय मिल जाता। गोपनीय? हमारे चारों ओर गोपियां ही गोपियां हैं। तो करो, हमसे गोपनीय बातें करो। त्रिकट था धिन्ना। महाराज, विषय बहुत गंभीर है। तो गंभीर लय में सुना दो। धा त्रिकट धिन धिन धा धा। मेरे गुप्तचरों से सूचना मिली है कि आचार्य चाणक्य योद्धाओं की खोज में है। वो ब्राह्मण, वो क्या करेगा योद्धाओं का? यज्ञोपवीत पहनाएगा शिखा खोल के? महाराज, हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। तक्षशिला में सब उन्हें विद्रोही आचार्य कहते हैं। लेकिन मैं उसे कलुआ आचार्य कहूंगी। नहीं नहीं, मैं उसे गंदा आचार्य कहूंगा। हाँ सखी, देखो ना, हमारे राग रंग में देश विदेश की बातों का वेष घोलता है। त्रिगदा, और ये राक्षस उसे रोकता भी नहीं। त्रिगदा, हाँ, कैसे राक्षस हो तुम?
कुछ करते क्यों नहीं? एक दरिद्र ब्राह्मण तक को नहीं रोक सकते? वैसे क्या योजना है तुम्हारी? गुप्तचरों की सूचना एकत्र करके उन पे राजद्रोह का अभियोग और फिर मृत्यु दंड, फांसी से लटकाना उसे। कितना सुंदर लगेगा काला काला बमन, लाल लाल लटकती जी। आपने बताया नहीं उस नए गुलाम की शर्त के बारे में। ऐसी शर्त लगाऊंगा जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। ले। मतलब? तू देख तो सही कैसे हारेगा वो। फिर ना तो कभी वो दूसरे गुलामों से नजर मिला पाएगा और ना ही कभी मेरे सामने सिर उठाने की हिम्मत करेगा। सम्राट धनानंद ने भेजा है मगधवीर। सम्राट के लिए दुरु कार्य करोगे तुम? देखिए आचार्य, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। मैं किसी के आदेशों से डर कर काम नहीं करता, फिर चाहे वो सम्राट का ही आदेश क्यों ना हो। वाह, मन प्रसन्न कर दिया तुमने। यदि मगध की जनता के लिए कुछ करना हो तो हम सिर्फ स्वर्ण मुद्राओं के लिए काम करते हैं। अर्थात? मतलब साफ है, धन ही मेरा धर्म, धन ही मेरा लक्ष्य है। बताओ क्या करवाना चाहते हो? अरे ब्राह्मण महाराज कहाँ चल दिए? परखने में बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। तुम वो नहीं हो जिसके लिए मैं यहाँ आया था। धन की बात आते ही पलट रहे हैं आप। पलटना ही तो नहीं जानता ये ब्राह्मण, पर जिसे मैं ढूंढ रहा था उसे इस धन की बजाय उस अमूल्य धन का प्रेमी होना चाहिए। अमूल्य धन? आत्मसम्मान, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, ये सब क्या है? यही तो मगध का दुर्भाग्य है। अजीब झक्की ब्राह्मण है। अरे वो
तुम? कहिए। क्षमा करना, आचार्य आपको सब कुछ पहले से कैसे पता चल जाता है आचार्य? चल जी। ले 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 आपने बताया नहीं उस नए गुलाम की शर्त के बारे में। ऐसी शर्त लगाऊंगा जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। ले। मतलब? तू देख तो सही कैसे हारेगा वो। ना तो कभी वो दूसरे गुलामों से नजर मिला पाएगा और ना ही कभी मेरे सामने सिर उठाने की हिम्मत करेगा। मेरे गुलाम कुत्ते हैं मेरे, भिड़ा दूंगा इन कुत्तों को कुत्तों से। कहते हैं कि सब कुछ नियति के हाथ में होता है, यहां तक कि हर बड़ा परिवर्तन भी पूर्व निर्धारित होता है। नियति हर चीज के लिए पहले से ही देश काल तय कर देती है, क्योंकि खास पल ही इतिहास बनाते हैं, और वो खास पल आ गया था जो न सिर्फ चंद्रगुप्त और चाणक्य को विशिष्ट बना के इतिहास में दर्ज करने वाला था, मेरा भी इतिहास बदलने वाला था।